अभी तक आपने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, आज अपन ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभानी खाता। लाभानी खाते की जो मदें हैं वो क्या क्या होती हैं, इसमें आपके प्रशासनिक व्यय है और इसी के साथ में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, वित्तीय व्यय है। इसके अलावा जो गैर व्यापारिक जो खर्चे हानियाँ हैं उसको देखा जाएगा, और इसके अंतर्गत जो लाभ होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी आपको दिखाना है। तो डीआर में खर्चे आएंगे, सीआर में आय आएगी, और इसके अंदर चार कॉलम आपको बनानी है, इसका प्रारूप देखिए। और इस खाते का उद्देश्य होता है शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग या डेट आएगी बनाने की। इसका प्रोफॉर्मा है, ये डीआर साइड, सीआर साइड, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखना डीआर साइड में सारे खर्चे आएंगे, वो खर्चों के ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों प्रकार के खर्चे हानिया, और सीआर साइड के अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम्स होती है वो आएगी। तो सबसे पहला काम है जो आपने फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसका परिणाम या तो सकल लाभ होगा या सकल हानि होगी। माने कि सकल लाभ था सीआर में आएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, जो पिछले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कार्ड में लिखा था टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी क्रेडिट डाउन, या अपन उस सकल लाभ को यहाँ ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मान लो हानि है तो डेबिट में आएगा टू ग्रॉस लॉस बीडी। अब डीआर में तीन प्रकार के मुख्य खर्चे आते हैं, एक होता है ऑफिस और प्रशासनिक जो व्यय है वो, सेकेंड आपका है वितरण और विज्ञापन संबंधी व्यय, तीसरा आपका वित्तीय व्यय है, और इसके अलावा जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हानि है वो सब आएगा इसमें टू सैलरी, टू सैलरीज, टू रेंट पे जो बच चुकाते हैं वे, टू इंटरेस्ट पे, टू डिस्काउंट अलाउड। जब अपन को देनदार से राशि प्राप्त होती है हम उसको छूट देते हैं डिस्काउंट बटा, टू इंटरेस्ट पे ब्याज चुकाया, टू बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एंड टैक्सेस किराया दर एवं कर, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज डाक खर्च, टू पोस्टेज एक्सपेंसेस, टू पेंटिंग एंड स्टेशनरी, टू पेंटिंग एंड स्टेशनरी मॉडर्न और स्टेशनरी, टू पैकिंग एक्सपेंसेस, टू पैकिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस व्यापार के, टू सैलरी एक्सपेंसेस, टू सैलरी एक्सपेंसेस, टू चैरिटी दान देना किसी को, टू चैरिटी, टू बेडर्स राशि उगना देनदार से, ये हानियां हैं। फिर सीआर में ले लेते हैं, फिर आपको डेबिट साइड रखना देता हूं। बाई रेंट रिसीव लाभ है, बाई रेंट रिसीव
by interest received by discount received by commission received by dividend. मान लो हमारा किसी कंपनी के अंशों में निवेश है, उससे हमको कंपनी से लाभांश प्राप्त हो सकता है कि बाय डिविडेंड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने विनियोग किया है, निवेश किया है, उसका जो ब्याज प्राप्त होता है वो कराया बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बैड्स रिकवर्ड बाय बैड डेब्ट्स बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड डूबत ऋण वसूली बाई अप्रेंटिसशिप फी प्रशिक्षु शुल्क बोलते हैं इसको बाय प्रॉफिट सेल ऑन एसेस्ट यानी किसी संपत्ति विक्रय से जो लाभ हुआ है उसको सीएम दिखाएंगे। फिर आइए पार्टिकुलर्स अमाउंट फिर आइए डीआर क्या होता है टू कमीशन पेड टू कमीशन पेड टू रिपेयर्स मरम्मत टू रिपेयर्स एक्सपेंसेस टू एक्सपोर्ट ड्यूटी टू डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन टू लॉस बाय फायर आर्स यानी टू लॉस बाय थेफ्ट चोरी से यानी टू लॉस बाय फ्लड बाढ़ से यानी टू टू स्टेबल एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होगा या टू अनप्रोडक्टिव वेजेस टू अनप्रोडक्टिव वेजेस अनुत्पादक मजदूरी अभ्यास हमारा देखना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक और ड्राफ्ट बैंक अधिविकसित ब्याज। इस तरीके से बहुत सारे जो खर्चे हैं यानी इसमें अप्रत्यक्ष खर्चे आएंगे जिसको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाएगा। एक आपका है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेकंड आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरा आपका फाइनेंशियल यानी वित्तीय व्यय है। इसके अलावा जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं और इसके सीआर जो आय है व्यापारिक ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो सारी आपने सीएम दिखाई है। इस तरीके से एक प्रोफॉर्म आपको दिया है प्रॉफिट लॉस के डीआर वाले वाले बताए और सीआर वाले वाले देखिए ये डीआर साइड सेकंड पेज। अब इसका जो उद्देश्य आप जानते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट खाते का उद्देश्य होता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या करना सीआर साइड का योग करें। यदि सीआर का डीआर साइड दिखे तो नेट प्रॉफिट होगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इतना ध्यान देना शुद्ध लाभ है वो पूंजी खाते में ट्रांसफर होगा। और मान लीजिए
नेट लॉस हो रहा है तो सीआर से ना आएगा, सीआर लिखा जाएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट से पूंजी बढ़ती है और नेट लॉस से पूंजी हमेशा घटती है, ये सीआर साइड में। इस तरीके से डीआर साइड है, ये सीआर साइड है और डीआर की मतलब सही प्रक्रिया है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे कैसे, किस प्रकार से इसको नंबर के क्वेश्चन के रूप में अपने अप्लाई कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है निम्न सूचनाओं के आधार पर लाभांश खाता बनाएंगे, लाभांश खाता मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना। इसमें आपको फर्स्ट यह है ग्रॉस प्रॉफिट, परिणाम निकाल देता ट्रेडिंग का, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपये, कॉमा सैलरी, सैलरीज रुपीज 10,000, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 1,000 रुपये, रैंक पे रुपीज 5,000, कमीशन पे रुपीज 3,000, रिपेयर्स मरम्मत रुपीज 2,000, बैडक्स बुकिंग रुपीज 1,000, ट्रेड एक्सपेंसेस रुपीज 3,000, चैरिटी दान रुपीज 2,000, लॉस बाय फायर रुपीज 3,000। लीगल एक्सपेंसेस कानूनी लीगल एक्सपेंसेस रुपीज 5,000, कमीशन रिसीव रुपीज 4,000, इंटरेस्ट रिसीव रुपीज 1,000, डिविडेंड रुपीज 2,000। Office expenses rupees 5,000। ये आपको दे रखा क्वेश्चन और इसके आधार पर आपको बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बनाते हैं। हेडिंग देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंड for the earning getting the dollar dot
या विचार करते हैं डीआरसीआई सीआर पार्टिकुलर सामान पार्ट सेवाओं का ध्यान रखना। ये जो छोटा सा क्वेश्चन है इसमें आपको जीपी आपको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 सीआर है बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कहिए या ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 50,000 पे 50,000 उसका यह है सैलरी डेबिट में आपका खर्चा है ऑफिस का टू सैलरीज 10,000 रुपए फिर यह बैंक चार्जेस टू बैंक शुल्क 1,000 फिर रेंट पे डेबिट आएगा टू रेंट हम चुकाया किराया टू रेंट 5,000 कमीशन पे टू कमीशन हमने चुकाया व्यय हमारा परिचालन व्यय टू कमीशन 3,000 रुपये टू रिपेयर्स डीआर में आएगा खर्चा है टू रुपीज 2,000 1,000 आनी है टू ट्रेड एक्सपेंसेस व्यापारिक खर्च व्यापारिक व्यय अप्रत्यक्ष व्यय 3,000 सभी अप्रत्यक्ष व्यय व्यापारिक हानि है और चैरिटी टू चैरिटी दान टू चैरिटी 2,000 लॉस बाय फायर व्यापारिक हानि तो लॉस बाय फायर आग से हुई हानि 3,000 रुपये फिर लीगल एक्सपेंसेस कानूनी व्यय टू लीगल एक्सपेंसेस 5,000 कमीशन रिसीव सीआर में आएगा ये ऑपरेटिंग इनकम है बाय कमीशन रिसीव राशि आपको दी है 4,000 कमीशन से 4,000 फिर ये आपको इंटरेस्ट रिसीव सीआर में बाय इंटरेस्ट रिसीव ब्याज प्राप्त हुआ राशि आपको दी 1,000 डिविडेंड जो प्राप्त है उनसे के उनको जो कंपनी से लाभांश मिला है बाय डिविडेंड लाभांश 2,000 फिर द ऑफिस एक्सपेंसेस डीआर आएगा टू ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 ये जो आपका एक छोटा सा प्राथमिक क्वेश्चन लिया है इसके अंतर्गत जो डेबिट में आने वाले हैं अप्रत्यक्ष व्यय हैं और अप्रत्यक्ष व्ययों के तीन खंड हैं एक आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है सेकंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन तीसरा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस द्वितीय व्यय और इसके साथ में सीआर साइड में ऑपरेटिंग इनकम्स और इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो डीआर है नॉन ऑपरेटिंग इनकम सीआर है। अब इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का सुधार में सुधार निकाल करना। अब योग समारोह 50,454 तो 57,000 है सीआर का योग है और डीआर कितना 10, 11, 16, 19, 21, 22, 27, 30, 34, 35, 40 डिफरेंस 17,000 का आपका नेट प्रॉफिट होगा सीआर का योग अधिक डेबिट होने पर सीआर का योग 57,000 डीआर का 40,000 तो घटाइए टू नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट याद रखें शुद्ध लाभ या सुधार जो भी परिणाम होगा प्रॉफिट अकाउंट को उसे ट्रांसफर करेंगे पूंजी खाते में डिफरेंस आएगा 17,000 40,000 का दिया योग हो जाएगा 57,000 इस तरीके से आपने आज एक परफॉर्मा को सुन लिया है प्रॉफिट अकाउंट का एक छोटा सा काल्पनिक क्वेश्चन लिया है और प्रॉफिट अकाउंट फॉर द ईयर डेट लिखा है क्वेश्चन जो देर की होगी और चार पर आपको बनानी है पार्टी से अमाउंट पार्टी से अमाउंट है डीआर में सारे अप्रत्यक्ष व्यय और गैर व्यापारिक हानियां और जो भी है वो लेनी है सीआर साल में परिचालन आय और गैर व्यापारिक जो आय है वो आपको सीआर लेना है
और इस खाते का जो उद्देश्य होता है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आपके 17,000 का नेट प्रॉफिट है क्योंकि सीआर में गदा है, एक रहेगा नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड करेंगे यानी पूरी खाते में। और इससे पहले पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट जिसका पढ़ना होता है ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको प्रश्न दे रखा 50,000 रुपए, इसको हमने सीआर लिखा है, फिर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट है, अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।